अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। माशाल्लाह कबूतर ठीक ठाक हैं, कुछ इधर इंतज़ार में बैठे हैं खाने पीने के। और तो मैं तो पहले इनको अब उड़ाता हूँ, उसके बाद ही खाना मिलता है इनको। इनके माशाल्लाह जो बेबीज़ थे वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इस जोड़ी की जो बेबीज़ हैं वो माशाल्लाह ऑलमोस्ट रेडी टू फ्लाई हैं। और ये इनका अगेन ये मीट कर रहे हैं, तो यकीनन ये मज़ीद अंडों के लिए प्लान कर रहे हैं और उनके बेबीज़ माशाल्लाह फ्लाई करने के लिए प्लान कर रहे हैं। ये दो हैं जो अभी मैंने आपको जोड़ी दिखाई, उसके बेबीज ऑलमोस्ट रेडी टू फ्लाई। क्लोजअप भी दिखाते हैं आपको। माशाल्लाह क्लोजअप में देखें तो बहुत खूबसूरत जिनके कलर आए हैं। ये वाला थोड़ा ग्रेश कलर में आया है, इवन के इससे पहले भी जो बेबी था वो भी ज़रा ग्रेश सा इसी टाइप का कलर आया था उसका। और जो दूसरा है इसका माशाल्लाह ज़बरदस्त उड़ने वाले कबूतरों का शेड आया माशाल्लाह, पर बहुत प्यारे हैं इसके, बाकी सारे सफ़ेद और हेंड्स जो हैं वो उसके ब्लैक हैं और दोनों भी ब्लैक है, बाकी सफ़ेद ज़्यादा है। तो बहुत प्यारा लगेगा उड़ते हुए माशाल्लाह। ये वाली जोड़ी इसका मेल था इधर बैठा हुआ, ये भी माशाल्लाह फुल ग्रोन अप हो गए। इनके जो जोड़ी है इनकी पेरेंट्स वो ऑलरेडी एग्स दे चुकी थी, लेकिन वो ऑलमोस्ट एक तो ख़राब करे तोड़ दिया था इन्होंने, दूसरा अल्लाह ना करे मुझे लग रहा है ख़राब हो जाएगा। काफ़ी रेसल करने के बाद इसने पकड़ दिए, तो ये माशाल्लाह काफ़ी जान में आ गए अब तो। कलर इसका इसके वालिद की तरह ही है और बड़ा मज़ेदार उड़ने वाले कबूतरों का कमागर टाइप कलर आ रहा है इसका। फुल ग्रो होगा तो तब इंशाल्लाह इसका कलर, क्योंकि थोड़ा चेंज हो जाता है तब इसका एक्चुअल कलर पता लगेगा। सेकंड भी इनका सेम ही है, सेम कलर में बिल्कुल। इनके पास जो अडॉप्टेड बेबीज़ थे ये इनकी मदर भी इधर बैठी हैं, बाकी फादर जो ब्लैक वाला है ग्रीन बैंगल्स वाले वो बाहर हैं। तो ये अडॉप्टेड बेबीज़ जो हैं वो भी ऑलमोस्ट ग्रोन अप हैं और नियर टू फ्लाई हैं। ये भी माशाल्लाह ब्लैक से कलर में आया है, लेकिन इसका और मुझे लगता है कि इसमें मक्की चीनी टाइप डॉट डॉट्स टाइप हो जाएंगे बाद में। और दूसरा है ये कलर में आया है माशाल्लाह। अब इसमें ग्रे और ब्राउन मिक्स कलर हैं। अच्छा, इसको मैं देख रहा हूँ, इसको कुछ नज़ला ज़ुकाम टाइप लग रहा है, इसकी वजह से ये अंदर बैठा हुआ भी था। इसका कोई इलाज करते हैं, इसको डिस्प्रिन वगैरह दे देते हैं ताकि ये बेहतर हो जाए। इसको प्रॉब्लम है, इसकी नाक बंद है, इसका करते हैं इलाज। इन्होंने मेरे ख्याल से दोबारा एग्स दे दिए क्योंकि ये फीमेल बैठी है और साथ में जो बेबीज़ हैं वो भी ऑलमोस्ट रेडी टू फ्लाई होने वाले हैं। इनकी कलरेशन बहुत प्यारी आई है, एक ज़रा ब्लैक से कलर में आया है और दूसरा ब्राउन से कलर में, ब्राउन एंड ब्लैक। ब्लैक से कलर में इसे मुराद ये वाला मैं कह रहा हूँ, ब्लैक और वाइट से मिक्स, और ये वाला जो है ब्राउन से शेड में, ब्राउन और ब्लैक मिक्स। इंशाल्लाह बड़े खूबसूरत लगेंगे ये भी। इसके अलावा हमारे न्यू बॉर्न बेबी पिजन्स जो कि इनके पास हैं, उनकी सिर्फ स्टेटस ले लेते हैं, उम्मीद है वो ठीक ही होंगे। ये जी कमागर की जोड़ी है और ये माशाल्लाह
दो दिन के हो गए, इनफैक्ट ये वाला 3 दिन का हुआ है, और ये जो छोटा बेबी है ये 2 दिन का हुआ है। और इसकी स्टोरी बड़ी मज़ेदार है क्योंकि ये क्रैक्ड एग था इसका, और क्रैक्ड एग में से निकला है। ये बड़ा मज़ेदार इंशाल्लाह होगा कि ये भी बड़ा हो, पता लगे कि मतलब ये भी एक अल्लाह की तरफ से मुआवजा ही है कि ये बच गया है, क्रैक एग में से भी बेबी निकल आया है। नेक्स्ट बारी है जी लक्का वालों की, इंशाल्लाह ये लोग इनके पास आएगा नेक्स्ट बेबी। अभी तो एग्ज़ हैं इनके पास और इसी वजह से शायद करीब करीब ही होंगे ये, इस वजह से ये मार रहे हैं। इनके पास भी एग्ज़ हैं और इधर अंदर भी एग्ज़ हैं जी, और लास्ट यहाँ भी एग हैं। अभी चलें उम्मीद रखते हैं कि सारे ज़बरदस्त से बच्चे हैच करेंगे, फिर आपको उनकी भी अपडेट्स देंगे। बच्चे को मैं ले आया हूँ, पहले ट्राई करेंगे कि ये लिक्विड पानी पिए। अगर ये लिक्विड पानी नहीं पीता तो सेकंड ऑप्शन है कि इसको इसमें से जो पीसीज हैं डिस्पेन के वो सॉलिड में खिला दें ताकि ये बेहतर हो जाए। ये आप देख रहे हैं ये बार बार मुंह खोल रहे हैं, कोई तो सिलसिला है, नज़ला ज़ुकाम तो कम अज़ कम है इसमें। चलने फिरने में ठीक है, वज़न थोड़ा मुझे कम लग रहा है इसका, बॉडी वाइज भी ठीक है, लेकिन आज ये बैठा हुआ था सारा दिन कमरे में, तो उस वजह से मेडिकेशन लेना ज़रूरी है। मेडिकेशन मैंने कर दी है, थोड़ा दाना मैंने इसको डाल के दिया है क्योंकि इसने दाना बिल्कुल नहीं खाया हुआ, पेट खाली है इसका। वापस रखेंगे ताकि पेरेंट्स ने अगर खिलाना है इसको तो ये ज़रा पेरेंट्स से दाना ले ले। और ये पानी क्योंकि मैंने सबसे पहले इसको पिलाने की ट्राई की इसलिए ये बिल्कुल यूज़लेस हो गए, ये जो बीमारी इसमें है अगर मैं ये बाकी चिक्स को दूंगा तो उनमें भी वो बीमारी जाने का ख़तरा है। सो इस वीडियो से अलहाफिज़, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद है, अपने कमेंट्स अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Thank you.